इन दिनों देश भर में गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की चर्चा है। एक तरफ जहां बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता पाने के लिए अपना अपना दांव खेल रही है। चुनाव के इस शोर के बीच एक उम्मीदवार का नाम है चर्चा में और वो है बीजेपी नेता जयंती पटेल। इस चुनाव में उनको गुजरात का सबसे अमीर उम्मीदवार बताया जा रहा है। किसान परिवार से आने वाले जयंती पटेल कभी 100 रुपए महीना कमाते थे, लेकिन आज वो गुजरात में धन कुबेर बने बैठे हैं। कौन है जयंती पटेल और कैसे वो दिहाड़ी मजदूर से करोड़ों के मालिक बन गए, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। गुजरात के विधानसभा चुनावों में धन कुबेरों की भरमार है। गांधीनगर की मनसा से बीजेपी उम्मीदवार जयंती पटेल सबसे रईस उम्मीदवार है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 1,621 उम्मीदवारों में से 456 उम्मीदवार करोड़पति बताए गए हैं। इनमें सबसे ऊपर है जयंती पटेल का नाम। एक समय था जब वो महीने के केवल 100 रुपए कमाया करते थे, लेकिन आज वो 661 करोड़ के मालिक हैं। 64 वर्षीय जयंती पटेल मनसा के अजौल गांव के रहने वाले हैं। जयंती पटेल कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। गुजरात की सियासत में कड़वा पाटीदार समाज का एक अलग ही रौब है। जयंती पटेल ने अपने हलफनामे में बताया है कि वो कुल 661.28 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हलफनामे के मुताबिक जयंती पटेल की सालाना इनकम 44.22 लाख रुपए है, जबकि उनकी पत्नी आनंदी पटेल की आय 62.7 लाख रुपए है। जयंती पटेल के पास कुल 514 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि 147 करोड़ की चल संपत्ति है। तो वहीं अपने हलफनामे में जयंती पटेल ने अपने ऊपर चढ़े भारी भरकम कर्ज के बारे में भी बताया, जिसके मुताबिक उन पर 233.8 करोड़ रुपए का कर्ज है। पटेल दंपत्ति ज्वेलरी का भी बेहद शौकीन है। जयंती पटेल और उनकी पत्नी आनंदी पटेल के पास करीब 2 करोड़ रुपए की हीरे सोना चांदी की ज्वेलरी है। जयंती पटेल ने बताया है कि उनके पास कुल 92.4 लाख रुपए की ज्वेलरी है, जबकि उनकी पत्नी आनंदी के पास 1.2 करोड़ रुपए के गहने हैं। जयंती पटेल और आनंदी पटेल के 2 बच्चे हैं, बेटा पंकज और बेटी प्रियंका। जयंती पटेल अपना पूरा वक्त राजनीति को ही देते हैं, जबकि बेटा और बेटी बिजनेस संभालते हैं। पटेल इन दिनों अपने परिवार के साथ गांधीनगर जिले के नाभोई में रहते हैं। आज भले ही उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो उनका जीवन बेहद स्ट्रगल भरा रहा है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए पटेल ने काफी मेहनत की है। पटेल पेशे से किसान और एक बिल्डर दोनों है। एक रिपोर्ट की माने तो वो अहमदाबाद अपनी आगे बढ़ने की लगन और दूरदर्शिता के कारण ही आए थे। उन्होंने एक नौकरी की जहां उन्हें महज 100 रुपए महीना मिला करता था। लगभग 5 महीने तक काम करने के बाद ये नौकरी छोड़ जयंती पटेल ने लोहे का बिजनेस शुरू किया, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए और यहाँ भी उन्होंने कई जगह कई तरह के काम किए। फिलहाल वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके जयंती पटेल ने अपना सियासी सफर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मंगल दास पटेल के चुनावी प्रभारी के रूप में शुरू किया था। उन्होंने बीजेपी को कोबा में एक जमीन भी दी थी, जिस पर आज बीजेपी पार्टी का रीजनल ऑफिस है। पटेल खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का भी करीबी बताते हैं। बकौल पटेल, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उनके साथ उन्होंने काफी काम किया है। मीडिया ने जब जयंती पटेल से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं गुजरात चुनाव में सबसे धनी उम्मीदवार हूँ। मैं करीब 3 दशक से बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने और मेरे बेटे ने खूब खून पसीना लगाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, जो आज सफल है। बात करें गुजरात के विधानसभा चुनाव की, तो इसके लिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 और 5 दिसंबर। पहले चरण में 1 दिसंबर को 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बाकी की सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि 27 साल से लगातार गुजरात की सत्ता में काबिज बीजेपी एक बार फिर गुजरात में कमल खिला पाती है, या बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला कुछ नया इस बार चुनावों में दिखाने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।